हैदराबाद टेस्ट की शुरुआत तो बहुत ही शानदार हुई थी, लग रहा था काफी कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन फिर अंत में जाकर भारतीय टीम ने यह मैच आसानी से जीत लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज रन नहीं बना पाए। ये है पूरा मैच का हालचाल। अगर आप देखें तो शुरुआत में 311 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने, जो बहुत ही अच्छे थे। भारत ने उसे थोड़े ज्यादा बनाए, लेकिन 50 रन की बढ़त कुछ खास नहीं थी। उसके बाद जो दूसरी पारी हुई 127 रन जो वेस्ट इंडीज ने बनाए, वहीं पर मैच का जो रुख है पूरी तरह भारत की तरफ हो गया और सिर्फ 75 रन चाहिए थे। 75 रन उन्होंने बिना किसी नुकसान के आसानी से बना लिया, जिसका मतलब है कि सीरीज 2-0 से भारत ने जीत ली है। मेरे साथ हैं अजीत अगरकर। अजीत, जिस तरह से मैच बढ़ रहा था, आप खुद एज अ क्रिकेट फैन डिसअपॉइंटेड थे जो पारी देखने को मिली वेस्ट इंडीज से? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज सुबह जो उन्होंने गेंदबाजी की नए बॉल से और वापस मैच में टीम को ले आए थे, उसके बाद जो बल्लेबाजी और पिच बिल्कुल अच्छी थी। उमेश यादव स्टार परफॉर्मर थे भारत के लिए, लेकिन पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए इतना मदद दे नहीं रही थी। फिर भी वेस्ट इंडीज जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो खुद बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। और एक मौका था उनके पास कि भारत को या 200 या 225 रन आगे अगर चले जाते और उतने टारगेट सेट करते तो शायद भारत के ऊपर दबाव डाल सकते थे। तो बहुत पहले टेस्ट समझ सकते हैं कि नए प्लेयर्स हैं उनके पास वेस्ट इंडीज़ के, इन कंडीशंस को यूज टू नहीं है। लेकिन दूसरे टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन था ये तीसरे दिन में खास करके। क्योंकि आप नए प्लेयर्स की बात करें, क्या यही एक कारण था? क्योंकि जब आप नए खिलाड़ी होते हैं पहले इनिंग में रन बनाना आसान होता है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी सेकंड इनिंग में रन बना, लेकिन ये पिच ज्यादा बदल नहीं गई थी दूसरे इनिंग में। भारत में तीसरे दिन तक स्पिन गेंदबाजों को और ज्यादा मदद मिलती है। यहाँ सीम गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव थे इस पिच पे, जो जब स्पिनर भारत के इतने उनको इतनी मदद नहीं थी तो काम थोड़ा सा आसान होना चाहिए था वेस्ट इंडीज बल्लेबाजों का। सेट हुए 10-15 या 20 रन किए बहुत से बल्लेबाजों ने, समय बिताया पिच पे और उसके बाद गलत शॉट खेल के आउट हुए। तो क्रेडिट भारत के गेंदबाजों को देना होगा कि वो पेशेंस उन्होंने रखा, लेकिन कोई पिच में कोई इतना कुछ हेल्प नहीं थी, उनकी बल्लेबाजी बहुत खराब थी। चलिए, अगर यही वो शायद कलकत्ता या मुंबई में मैच खेल रहे होते, तीसरे दिन और बहुत मुश्किल हो जाता स्पिन गेंदबाजों के सामने खेलने के लिए। लेकिन स्टार परफॉर्मर स्पिन गेंदबाज नहीं, भारत के लिए तेज गेंदबाज थे, मैन ऑफ द मैच भी बने उमेश यादव, उन्होंने 10 विकेट लिए। और क्यों है ये परफॉर्मेंस इतना अहम? क्योंकि बहुत कम गेंदबाज इस तरह का प्रदर्शन भारत के क्रिकेट इतिहास में दे पाए हैं। अगर आप देखें, जवागल श्रीनाथ ने ये किया था 1999 में, कपिल देव दो बार ऐसा कर चुके हैं कि 10 विकेट उन्होंने लिए हैं भारतीय कंडीशन में। लेकिन अगर आप देखें, उमेश यादव यहां पर आते हैं, फोर्थ बेस्ट बॉलिंग फिगर है और सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं जो 10 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। जैसे आप अजीत बात कर रहे हैं, पिच में कोई डीमंस नहीं थे, इतनी मुश्किल नहीं थी, उसको मद्देनजर क्या परफॉर्मेंस किया उमेश ने? वो आंकड़े बताते हैं कि कितना मुश्किल है तेज गेंदबाजों को 10 विकेट लेना भारत में। एक तो आपके पास अच्छे स्पिनर होते हैं तो वो ज़्यादा विकेटें ले लेते हैं, क्योंकि पिच में ज़्यादा स्पिनरों को मदद होती है। ये बिल्कुल फ्लैट पिच थी, शार्दुल ठाकुर पहले दिन दूसरे ओवर में इंजर्ड हो गए थे और स्पिनर को जब मदद नहीं थी, उमेश यादव को गेंदबाजी अच्छी करना ज़रूरी था और अच्छी नहीं की। 10 विकेट लिए, उनको उतना क्रेडिट मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए यूजुअली, क्योंकि भारत में ज़्यादा करके टेस्ट मैचेस खेलते हैं, फ्लैट पिचेस होती है और मुश्किल काम करते हैं जो गेंदबाजों के लिए होता है। तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था और डिजर्विंग था, क्योंकि दोनों इनिंग में जब भी कप्तान को विकेट चाहिए था उन्होंने उनको लाया और हर बार उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया। अदरवाइज वेस्ट इंडीज़ अच्छे पोजिशंस में खेल रहे थे, लेकिन उमेश की वजह से भारत वो गेम अपनी तरफ वापस खींच लिया। ये जो एक म्यूजिकल चेस चलता है तेज गेंदबाजों को लेकर भारतीय टीम में, उसमें थोड़े पीछे रह जाते हैं उमेश यादव टेस्ट मैचेस में, अब क्या होगा इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद? देखिए, उन्होंने अपना नाम तो आगे डाल दिया है। बुमराह, शमी और ईशांत शर्मा ने अभी इंग्लैंड के टूर पे बहुत अच्छा किया है, तो ये चौथे गेंदबाज है इस वक्त जो अच्छे फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया में शायद पिचेस इनको ज्यादा मदद करे, क्योंकि हार्ड होती है जहां आप हिट करते हो पिच को, स्विंग कम होती है वहाँ, तो इनके जैसे तेज गेंदबाज इन्होंने पहले भी अच्छा कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ज़रूर जब टीम 11 निकालने के लिए विराट कोहली बैठेंगे रवि शास्त्री के साथ, तो इनका नाम ज़रूर कंसिडरेशन में होगा। पहली टेस्ट खेलते हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि तीन गेंदबाज ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं
बट जितने जितने ज़्यादा प्लेयर्स फॉर्म में होंगे अपना उतना ही कप्तान के लिए अच्छा होता है। एक तरह से अच्छा है क्योंकि तेज गेंदबाज इंजर्ड भी बहुत होते हैं भारत में, तो अच्छा है अगर आपके पास चार या पांच ऑप्शन हमेशा रहते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम हार जरूर गई, दूसरे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया और उसमें सबसे आगे अगर कोई थे तो वो थे कप्तान जेसन होल्डर। उन्होंने याद रखिए पहला टेस्ट मैच नहीं खेला था, दूसरे टेस्ट में आज में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। अगर आप उनके गेंदबाजी प्रदर्शन देखें तो उसमें काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। अगर आप देखें यहां पर अजीत उनको देखें, उनका डेब्यू 2013 में हुआ लेकिन 2017 तक उनका स्ट्राइक रेट और औसत देखें आप 89-38 का, और फिर 2018 आता है लुक एट दोज नंबर्स, 11 का औसत 26 का स्ट्राइक रेट, ये कैसे इतना चेंज, क्या किया अलग इन्होंने? आई मीन जनरली जो भी अच्छा प्लेयर होता है एक्सपीरियंस से जैसे जैसे अनुभव आता है वो अच्छा होते जाता है, तो और कप्तानी शायद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है कोई कोई प्लेयर वो अच्छी तरीके से निभा सकते हैं और उनका गेम रेस करते हैं, तो शायद जेसन होल्डर उनमें से है। उनकी गेंदबाजी में बहुत फ़र्क पड़ चुका है, इतनी तेज नहीं डालते लेकिन वो 6'5" या 6'6" तक के तो उतना नेचुरल बाउंस उनको मिलता है, तो वो बैट्समैन को और मुश्किल में डाल देता है। भारत में आके इस पिच पे अच्छी गेंदबाजी करना बता देता है कि कितने इम्प्रूव हो गए, और वो ऐसे आंकड़े होना, हम अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम उतनी अच्छी रही नहीं इसलिए हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आप आंकड़े देखते हो तब पता चलता है कि उनके लीडर अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि अगर आप देखें पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस वक्त इनकी बेस्ट एवरेज है, यानी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गेंद के साथ। आखिरी सवाल, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में सबकी निगाहें वो यंगस्टर पृथ्वी शॉ पर थी, रन भी उन्होंने बनाए, लेकिन ओवरऑल आपको कैसे नजर आए? ऑलवेज प्रेशर होता है जब आप पहले टेस्ट खेलते हो, ठीक है ये वेस्ट इंडीज़ का सबसे अच्छा अटैक तो नहीं था लेकिन फिर भी चैलेंजेस थे कि गैब्रियल तेज डाल रहे थे इस टेस्ट में, होल्डर ने अच्छी बॉलिंग की, तो ये एक्सपीरियंस उनके बहुत काम आ गया। सेकेंड इनिंग में उनको थोड़ी छोटी गेंदें भी डाली गई, वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत होने वाला है, लेकिन मैंने उनको देखा है 1.5 साल से अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास उनका अच्छा है, और जब टेस्ट में अभी रन भी बनाए तो अच्छे कॉन्फिडेंस से जाएंगे, तो भारत के लिए एक अच्छा एडिशन है और अभी बहुत यंग है, होपफुली ऐसे ही इम्प्रूव होते। चलिए अजीत बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भारत ने यही टेस्ट सीरीज आसानी से 2-0 से जीत ली। अगला जो टेस्ट सीरीज का मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प होगा, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, और लगभग जो टीम अभी आप देख रहे थे वो भी शायद ऑस्ट्रेलिया जाएगी। Don't forget to like, share, subscribe and leave your comments in the comment section below. Click on the bell icon for notifications.